हेलो, वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन। मैं हूँ ईश्वरारी को, मेरे साथ हैं जवेरिया सिद्दीकी। और हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं 30K+ और बढ़ रहे हैं, और थैंक यू सो मच उन लोगों का जो हमें सब्सक्राइब करते हैं और कर रहे हैं, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हम 50K भी ऐसे ही क्रॉस कर सकें। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग हैं जो देख रहे होते हैं ना वीडियोस, हाँ, वो साथ में सब्सक्राइब भी कर लेते हैं और सजेशंस कर रहे होते हैं, तो वो अच्छा लगता है कि वो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन है। लेकिन एक चीज में काफी अच्छा नाराज भी होते हैं, नाराजगी भी फुल अपनी ना कमेंट बॉक्स में दिखा रहे होते हैं। अच्छा, ये कह रहे थे कि वर्ल्ड कप जीता है इंडिया, हाँ, तो आप लोगों ने कोई बात नहीं की, हम नहीं देख रहे, आप लोगों ने बात क्यों नहीं की, तो भाई कांग्रेचुलेशंस। और जो भी विराट कोहली और रोहित शर्मा भाई जो भी उन्होंने किया वो सबने देखा है, और जाहिर सी बात है यार हमें वैसे ही बहुत पसंद है इंडियन टीम, तो कांग्रेचुलेशन फॉर दैट एज वेल। लेकिन भाई सबसे ज्यादा जो पसंद की जाती है वो है विलेजेस और सिटीज वगैरह की जो वीडियोस होती हैं, और मतलब कॉमेडीज वगैरह की बहुत वीडियोस लाइक की जाती हैं, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम करते भी हैं, लेकिन आप लोग हमें सजेशन सजेस्ट करते रहा करें कि ये करें ये करें, और काफी सजेशंस आते हैं। लेकिन क्रिकेट की जो बात है ना वो ज्यादा एक पब्लिक रिएक्शन शो है, वो भी हमारे लिए वहाँ पे जो है ना वो उस पे क्रिकेट की ना बिल्कुल एक धूम मची हुई होती है। वो जब भी कोई वर्ल्ड कप होता है, कुछ भी हो रहा होता है, तो वो पब्लिक रिएक्शन शो में वीडियोज आ रही होती है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं जो भी क्रिकेट के रिलेटेड है। यहाँ पे तो भाई पॉलिटिक्स भी है, यहाँ पे कॉमेडी भी है, यहाँ पे सिटीज के बारे में बात हो रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। हम दो का पॉइंट ऑफ व्यू है, वहाँ पे काफी ज्यादा लोगों से इंटरव्यू होते हैं, तो काफी ज्यादा लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है वीडियो में। और मैं खुद भी देख रही थी, तो वो लड़कियां जो थी वो बहुत ज्यादा जो है पता नहीं विराट कोहली की एग्जैक्टली वो लोग मतलब इतनी एक्साइटेड होके विराट कोहली का नाम लेते हैं, और उनको पूरा पता होता है उनकी हिस्ट्री को, उन्होंने यहाँ ये किया था, यहाँ ये किया था, ज्यादा आइडिया नहीं होता उनको, सारा पता होता है कि अप्स एंड डाउन सारा पता होता है। मतलब रियल फैंस है ना, तो उनको एग्जैक्ट पता होता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। लड़के बहुत ज्यादा फैन है विराट कोहली, लड़के तो होते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट मैचेस में शायद ऑब्वियसली हमें विराट कोहली नहीं मिलेंगे देखने को, तो मतलब वो थोड़ा होता है कि यार अब कौन आएगा, ऐसा कौन है जो विराट कोहली की जगह ले सकता है ये। लेकिन मुझे लगता है कि विराट कोहली और ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं लाइक धोनी, विराट, इनकी जगह अपनी जगह होती है। बट आज हम बात करें एक सिटी की। भाई ये बहुत ज्यादा आता है कि आपने उस सिटी के बारे में, वो स्टेट है उसके, उस सिटी के बारे में बात की, लेकिन इस सिटी के बारे में बात नहीं की। वो लोग बोलते हैं शायद जो रहते होते हैं, फिर उनको एक्साइटमेंट होती है कि हमारे सिटी के बारे में बात क्यों नहीं की जा रही यार, क्योंकि हमें ना इतने ज्यादा सिटीज के बारे में आइडिया नहीं होता। जैसे हमें पता है मुंबई है, बेंगलुरु है, पुणे है, जो हमने मूवीज में देखे हुए। अच्छा, अब एक और महाराष्ट्र का एक और भी है, ठाणे एक शहर है जिसके बारे में लोगों ने बहुत ज्यादा बात की थी कि इसके बारे में बात क्या करें। लेकिन आज हम बात करें पटना सिटी की, द कैपिटल ऑफ बिहार। और बिहारी जो है ना, मनीषा रानी, पता है मनीषा रानी वो बिहारी बोलती है, और भाई वो क्या बिहारी बोलती वो है, वो तो बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, बोलती बहुत क्यूट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो आता है ना कोई भी कंटेस्टेंट और वो अपनी लैंग्वेज में बोलता है, तो वो प्रेजेंट कर रहा होता है अपने आप को कि ये वो ज्यादा फेमस होते हैं ऐसे लोग, जैसे अपने आप को शहनाज गिल एग्जैक्टली, पंजाबी गर्ल, पंजाब की कैटरीना कैफ, वो बहुत फेमस हुई थी, और उसके बाद मनीषा हुई है, मनीषा बहुत बड़ी फेमस हुई है बिहार की जो लड़की है। लेकिन आज हम देख रहे हैं पटना जो कि कैपिटल ऑफ बिहार है, और अब शुरू करते हैं, और हमें इतना ज्यादा आइडिया नहीं है पटना के बारे में। अब बेंगलुरु के बारे में काफी आइडिया हो गया, IIT के और मुंबई वगैरह का और दिल्ली का हमें आइडिया, लेकिन पटना के बारे में इतना नहीं पता, तो अभी देखते हैं, फिर उसके बाद अपनी ओपिनियन शेयर करेंगे। बिहार का एक ऐसा शहर जिसे प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक मगध महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। यह बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है और पूर्वी भारत का कोलकाता के बाद दूसरा सबसे बड़ा घनी आबादी वाला शहर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पटना शहर की। बात करते हैं इसके इतिहास की, तो इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। पटना का इतिहास और परम्परा सभ्यता की शुरुआत से ही आरम्भ होती है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र या पाटलिपट्टन था, जो 600 ईसा पूर्व इतिहास में पाया गया। पटना का नाम समय के साथ साथ परिवर्तित होकर पाटिलग्राम, कुसुमपुर, अजीमाबाद और आधुनिक दौर में पटना नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 4 ईसा पूर्व में यहां अपनी राजधानी बनाई, इसके बाद इस नगर का महत्व कम होता गया, और 16 ईसा में इसे फिर पहचान मिली जब शेर शाह सूरी का शासन आया। एक अन्य मान्यता के अनुसार पट्टन नाम के एक ग्राम से आज के पटना का जन्म हुआ। कहा जाता है कि अजात शत्रु ने
पाटलिपुत्र बने प्राचीन ग्राम पाटली के साथ पट्टन जोड़कर पाटलिपुत्र बनाया। ग्रीक इतिहास में पाटलिपुत्रा शब्द आता है जो शायद पाटलिपुत्र ही था। शहजादा अजीमुशान जो औरंगजेब का पोता था, इसने ही पटना को आधुनिक और सुंदर शहर का रूप देने का प्रयास किया और इसका नाम अजीमाबाद रखा, लेकिन जनसाधारण में यह पटना नाम से ही प्रचलित रहा। आर्यभट्ट, चाणक्य और कालिदास जैसे महान विद्वानों का जन्म भी इसी भूमि पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पटना शहर लगभग 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 58 लाख है, जिनमें लगभग 30 लाख लोग पुरुष और 28 लाख लोग महिलाएं हैं, जिनमें से 91% हिंदू, 8% मुस्लिम और 1% में अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। यहाँ की साक्षरता दर 70.68% है और लिंगानुपात 1000 पुरुष में से 877 महिलाएं हैं। शिक्षा की बात करें तो पटना शहर को बिहार का एजुकेशन हब भी बोला जाता है। पटना में प्रायः बिहार बोर्ड तथा CBSE बोर्ड के स्कूल हैं। अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज पटना का नामी कॉलेज है। इसने शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का नाम विदेश तक मशहूर किया। हाल ही में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को NIT का दर्जा मिला। पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय तथा नालंदा मुक्ति विश्वविद्यालय, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनके शिक्षण संस्थान नगर में स्थित हैं। इसके अलावा IIT पटना और चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी शिक्षा के क्षेत्र में पटना में अच्छे विकल्प हैं। पटना में प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के स्कूल हैं। पटना अपने खूबसूरती के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ कई पर्यटक स्थल हैं जिसमें ऐतिहासिक स्थल, पार्क, संग्रहालय और मंदिर शामिल हैं, जिसमें अगम कुआं, तख्त हरमंदिर साहिब, पटना अजायब घर, पत्थर की मस्जिद, पादरी की हवेली, तारामंडल, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, संजय गांधी जैविक उद्यान, गांधी घाट, गोलघर आदि शामिल हैं। पटना देश के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक है। यहाँ हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार है। पटना में कई मॉल्स, हाई फाई होटल्स और थिएटर भी हैं। कई सारे बॉलीवुड के ऐसे चेहरे भी हैं जिनका जन्म इस शहर में हुआ था, जिनमें सुशांत सिंह राजपूत, पंकज त्रिपाठी, मशहूर सिंगर मिक्का सिंह, शेखर सुमन, सोनाक्षी सिन्हा और मनोज वाजपेयी आदि अन्य बड़े चेहरे शामिल हैं। पटना शहर परिवहन की दृष्टि से सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नंबर 1, सड़क मार्ग। बिहार की राजधानी होने के कारण पटना के महत्वपूर्ण शहरों जैसे बोधगया, राजगीर, रांची, सिलीगुड़ी आदि के लिए बसें जाती हैं। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 31 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 19 होकर गुजरता है। नंबर 2, रेल मार्ग। पटना शहर में कुल 6 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जिनमें से पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है। हावड़ा जंक्शन के बाद पटना जंक्शन पूर्वी भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन में 15 ट्रैक और 10 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। इसका स्टेशन कोड PNBE है। पटना पूर्व मध्य रेलवे मंडल का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। यहाँ से भारत के सभी राज्य सीधी रेल सेवा से जुड़े हुए हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, अमृतसर, जम्मू और गुवाहाटी आदि के लिए यहाँ से सीधी ट्रेनें जाती हैं। नंबर 3, वायु मार्ग। पटना शहर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मौजूद है, जिसका नाम जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान के पास स्थित है। यह भारत का 15वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। यहाँ से भारत के प्रमुख शहरों के लिए नियमित रूप से फ्लाइट जाती हैं। पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और रांची के अलावा अन्य शहरों से हवाई माध्यम से जुड़ा हुआ है। इंडियन, किंगफिशर, स्पाइसजेट, इंडिगो तथा जेट लाइट की उड़ानें प्रतिदिन यहाँ से जाती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए शहर की जानकारी के साथ। धन्यवाद। मैंने ना नाम सुना हुआ था पटना का, मूवीज वगैरह में बॉलीवुड में यूज होता था कि पटना के हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि भाई इतनी यूनिवर्सिटीज है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग है यहाँ पे, IIT का काम हो रहा है यहाँ पे, जो है वो लॉ कॉलेज जो था वो इतना प्यारा बनाया हुआ था, और जो बच्चे हैं ना जो प्राइमरी और इतने ज्यादा स्कूल प्राइमरी और प्राइवेट, मतलब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, हर तरह की वहाँ पर है फैसिलिटी मौजूद, और रेलवे
एयरपोर्ट ऐसा ये मैंने इन्होंने कहा कि 15वां बड़ा एयरपोर्ट पटना में है। ये एग्जैक्टली हमें ये चीजें पता ही नहीं थी, और फिर ओवर पोल्यूटेड सिटी भी है सेकंड नंबर पे आ रही है, तो ये काफी बेसिक इंफॉर्मेशन है। जब इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा होती है ना तो जाहिर सी बात है, अब देखो उन्होंने कहा कि ओवर पॉपुलेटेड है वहां पे, सेकंड नंबर पे ओवर पॉपुलेटेड आ रहा है, तो अगर पहले नंबर पे अगर मुंबई लगा लें, आई एम नॉट श्योर कि पहले नंबर पे दिल्ली हो सकता है, दिल्ली मुझे लगता है काफी ओवर पॉपुलेटेड है, बट आई एम नॉट श्योर। तो अगर ये सेकंड नंबर पे आ रहा है तो जाहिर सी बात है गाड़ियां भी उसी हिसाब से होंगी, रिक्शे भी उसी हिसाब से होंगे, वैन वगैरह, तो वो पोल्यूशन वहां से बनती है, इंडस्ट्रीज उतनी चल रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में, यानी कि लेकिन ये भी हो सकता है ना कि लाइक इतनी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर, हर तरह की मतलब हर तरह की फैसिलिटी है, एजुकेशन और वैसे भी, तो फिर ज्यादा लोग ऐसी सिटीज में मूव करते हैं जहां पर सब कुछ उनको मिल जाए। तो मैं देख रही थी काफी सेलिब्रिटीज भी बिलोंग करते हैं यहाँ पंकज त्रिपाठी। यू गाइस हैव नो आइडिया मैं कितनी बड़ी फैन हूँ पंकज त्रिपाठी की। मुझे पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी दोनों में से, सुशांत सिंह राजपूत तो ऑब्वियसली वो सबको ही पसंद है, बट दो जो सेलिब्रिटीज है ना पंकज त्रिपाठी और वो फेवरेट है। और मुझे सोनाक्षी, और मुझे मतलब वो सोनाक्षी का नाम आया ना तो मेरे माइंड में वो सारा गो थ्रू हो गया, सोनाक्षी की शादी और वो कितना खुश थी और वो सारा। वैसे सुना है कि सोनाक्षी की शादी पे उसके पेरेंट्स इतने खुश नहीं थे। एग्जैक्टली मतलब वो काफी मीम्स आ रही थी कि उन्होंने अनफॉलो कर दिया और फॉलो कर दिया, तो ऐसी काफी चीजें यार। वो बेसिकली ये है कि देखो हमारा भी होता है ना, जैसे पाकिस्तान में मुसलमानों में होता है कि हम कहते हैं कि हिंदू से शादी मत करो या सिख से शादी मत करो, क्रिश्चियन से शादी मत करो, तो हर जो धर्म होता है उसमें धर्म होता है, उसमें यही होता है कि यार ट्राई करो कि अपने धर्म में हो जाए, तो उनके पेरेंट्स का भी एक पेरेंट्स का होता है यार, वो एक नेचुरल होता है, मतलब एक भला चाह रहे होते हैं ना, वो अच्छा चाह रहे होते हैं। लेकिन अगर सोनाक्षी की बात करें तो वो हैप्पीएस्ट ब्राइड थी, लाइक बहुत से सेलिब्रिटीज की शादी हुई है लेकिन कोई भी इतना मुझे खुश नजर नहीं आता जितनी वो खुश। और मुझे डांस कर रहे थे वो और उसका हस्बैंड जो था वो छैया छैया पे, तो वो अच्छा लग रहा था, वाइब्स कर किया उन्होंने। लेकिन भाई पटना शहर के बारे में हम बात कर रहे थे, इतना खूबसूरत शहर भी है, साथ में टॉम बना हुआ था, खूबसूरती के लिए भी पॉपुलर है, काफी चीजों के लिए पॉपुलर है। एक मस्जिद भी बीच में आई थी और वो इतनी प्रिटी, और अच्छा स्टार्ट से हम स्टार्ट करें तो कितनी डीप हिस्ट्री है उसकी, मतलब वो कैसे किस तरह से नाम मिला, पहले चेंज था नाम, फिर वो किस तरह से वो पटना शहर बना, और इतनी फिर भी डेवलपमेंट हो गई, मतलब इतनी वो टफ हिस्ट्री हो तो थोड़ा मुश्किल होता है ना ग्रो क्योंकि अप करना। और भी काफी ज्यादा इंडिया में जगह हैं जिनकी काफी टफ हिस्ट्री है, जैसे नागालैंड काफी जो है वो टफ हिस्ट्री है, तो इस तरह से पटना की भी काफी वो मतलब वो अंदाजा नहीं था हमें, जैसे दिल्ली या मुंबई इनकी ऐसी हमने नहीं कभी सुनी। अब मुझे दूसरा पता है कौन सा शहर देखना है, मुझे चंडीगढ़ देखना है। हाँ चंडीगढ़ बहुत फेमस, चंडीगढ़ बहुत फेमस है और मुझे वो देखना है, और मुझे एक्चुअली में चंडीगढ़ जाने का बहुत ज्यादा। और लाइक ये जो मतलब चंडीगढ़ इसलिए भी फेमस है कि वो जो है सिख वगैरह होते हैं वो उनके लिए चंडीगढ़ एक ड्रीम प्लेस होती है, और बॉलीवुड में बहुत ज्यादा जिक्र होता है चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, और थोड़ा वो होते हैं तो एग्रेसिव बोलने वाले लोग होते हैं ना, डड्डे, एग्जैक्टली जीप चलाते हैं, कार चलाते हैं, एग्जैक्टली वैसे लोग, बदमाश टाइप, तो वो चंडीगढ़ से ऐसी वाइब आती है। लेकिन मजे की वाइब आती है, वो वाली नहीं आती की ये लोग खराब है या कुछ उठा लेंगे, मतलब थोड़े में होते हैं, एग्जैक्टली मतलब वो हर चीज बोल देने वाले, थोड़े गालियां शालियां निकालने वाले यहाँ के लोग हैं, तो हम नेक्स्ट जरूर देखेंगे, नेक्स्ट चंडीगढ़ देखेंगे। अब पटना के बाद अब हमने चंडीगढ़ देखा, काफी लोग मतलब वो काफी पॉपुलर शहर है, तो काफी लोग मेरे ख्याल से वहाँ से बिलोंग करते होंगे, और अगर नहीं भी करते होंगे तो कोई रिलेटिव, एग्जैक्टली कोई ना कोई तो रहता होगा। और मैं देख रही थी कि काफी हिस्टोरिकल मतलब बिल्डिंग्स है, मंदिर वगैरह बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है कि लाइक कोई भी विजिटर्स विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से। सबसे ज्यादा एजुकेशन का सोचो, कितने ज्यादा बच्चे जो है ना वो इंडिया से इधर आते होंगे, हॉस्टल्स में रहते होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज है यार, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, मुझे ये चीज बहुत एक्साइट करती है कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। आप बताएं कि आपको पटना में क्या अच्छा लगा, और कौन कौन बिलोंग करता है पटना से, और पटना की जो यूनिवर्सिटीज है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती है, काफी ज्यादा इन्होंने इसमें बता दिया, लेकिन अगर कोई और भी आती है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।